हेलो एवरीबॉडी दोस्तों, आप सभी के लिए एक बड़ी खुशखबरी लेके आया हूँ। हरियाणा में एक भर्ती की परीक्षा तिथि घोषित हो चुकी है। पंडित भगवत दयाल शर्मा यूनिवर्सिटी, यहाँ पे बात हो रही है। पूरी अपडेट जानने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका साथी राजेश, स्वागत करता हूँ इस वीडियो में और हमारे चैनल पर जिसका नाम है नॉलेज टीवी देसीताऊ। कैसे आप सभी दोस्तों, इस चैनल पर हर रोज़ एक या दो वीडियो जॉब या जॉब से जुड़ी जानकारी पर मैं लेके आता रहता हूँ, जो आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल जरूर होती है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके मिस ना हो। और दोस्तों, यदि आप एसएससी के पुराने पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं, ऑफिशियल पेपर, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है ktdtjobnews.com वेबसाइट का, वहाँ से आप ये पेपर फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो दोस्तों आज की जो इन्फॉर्मेशन है ये शेयर की है रोहित यादव भाई ने, तो रोहित भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे आप देख सकते हैं पंडित बीडी शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साई स्रोत तक की ये तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। पहला जो जो जॉब का नाम है, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आप, एडवर्टाइजमेंट है 7/2018 यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, और पोस्ट का नाम है सेक्शन ऑफिसर। ठीक है, और दूसरी जो एडवर्टाइजमेंट है 2/2019, और पोस्ट का नाम है ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, लेबोरेटरी टेक्नीशियन एंड लेबोरेटरी अटेंडेंट। ठीक है, इन सभी के एग्ज़ाम आपके 18/8/2019 को होंगे। स्क्रीनिंग टेस्ट संडे के दिन 11:30 सुबह और 1 बजे तक। ठीक है, स्क्रीनिंग टेस्ट होंगे आपके 18/8/2019 को। एडमिट कार्ड साइट पर, एडमिट कार्ड आपके एक सप्ताह पहले साइट पे डाले जाएंगे। तो दोस्तों अच्छी खबर है आप सभी के लिए। तो ये एक अपडेट थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके जाना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी कैंडिडेट को पता चल सके कि एग्ज़ाम डेट आ चुकी है पंडित भगवत दयाल शर्मा यूनिवर्सिटी रोहतक की। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी है लाइक और कमेंट करके जरूर बताना। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ रहे।